ऐसी ही विकास विरोधी एक बहुत बड़ी समस्या है। चंबल के लोग कांग्रेस का वो दौर कैसे भूल सकते हैं। कांग्रेस ने चंबल की पहचान खराब कानून व्यवस्था ऐसे सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। भाइयों और बहनों, आज हम देश में लाखों स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की मदद कर रहे हैं। मोदी ने गांव गांव में शौचालय बनाकर माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा की। अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी ने 3 करोड़ महिलाओं को पार्क भी विकसित किया जा रहा है। हमारे साथी जो तो उस परिवार की उस गांव की सारी अर्थव्यवस्था तेज गति से दौड़ने लग जाती है। साथियों, आप सब जानते हैं आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी, देश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है यही उसके फायदे का रास्ता है, यही उसके फायदे के लिए सरल रास्ता है। आज एक बार फिर कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है और कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है। देश के कोटि कोटि नागरिकों के आंखों में धूल झोंककर सत्ता हथियाने के लिए आपके भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये लोग फिर से धार्मिक तुष्टिकरण को मोहरा बना रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार का राज है और उन्होंने क्या पाप किया है?
आप हैरान हो जाओगे। मुझे बताइए कि आपके गांव में कोई आकर के कह दे कि भाई इस गांव में सारे के सारे लोग अब ये नहीं ये हो गए, तो आपको मंजूर होगा क्या? कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया, यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैरकानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। आप सबको मालूम है जब देश का संविधान बना, महीनों तक माथापच्ची हुई, चर्चाएं हुई, देश के गणमान्य लोगों ने चर्चाएं की, बाबा साहब आम्बेडकर में उन चर्चाओं के आधार पर संविधान को लिखा गया और सबने सोच समझ करके तय किया कि देश की एकता अखंडता के लिए देश का संविधान किसी भी सूरत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया, खुद बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस कर्नाटक का यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। साथियों, कांग्रेस दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है। 19 दिसंबर 2011 को जब उनकी सरकार थी, तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक मुसद्दा, एक नोट कैबिनेट में लेकर आई थी। इस कैबिनेट नोट में एक कहा गया था कि ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण मिलता है
मंडल कमीशन के अनुसार जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण का एक हिस्सा काट करके 27% में से एक टुकड़ा काट करके मजहब के नाम पर दिया जाएगा। सिर्फ दो दिन बाद 22 दिसंबर 2011 को इसका आदेश भी निकल दिया गया। बाद में आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में गए लेकिन राहत नहीं मिली। तब 2014 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाना पड़े तो कानून भी बनाएंगे। तो 2014 में ओबीसी समाज जग गया, दलित समाज जग गया, आदिवासी समाज जग गया और उन्होंने तय किया कि ये लोग तो अगर ये करेंगे तो हमारी तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, हमारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। और उसके बाद इन समाजों ने एक होकर के कांग्रेस के सपनों को मिट्टी में मिला दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। अब ये वो अधूरा काम पूरा करने के लिए फिर से नई चाल चलने लगे हैं। कांग्रेस की चली तो यहां मध्य प्रदेश में जो हमारे कुशवाहा भाई बहन है, गुजर भाई बहन है, यादव भाई बहन है, गडरिया भाई बहन है, धाकड़ प्रजापति समाज हो, ऐसे सब समाज को जो आरक्षण मिलता है, जैसे हमारे यहां कुमार, तेली, माझी, नाई, सुनार समाज, ऐसे समाजों को जो आरक्षण मिलता है, कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। आप मुरैना के लोग मुझे बताइए, क्या आप ऐसा पाप होने देंगे? पूरी ताकत से बताइए, उनको जरा डर लगे ऐसा करिए। क्या ऐसा होने देंगे? ये ओबीसी का हक छीनने वालों को पूरी तरह साफ कर देंगे, चून चून करके साफ कर देंगे, हर पोलिंग बूथ में साफ कर देंगे। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा सरकार अगर जरूरतमंदों को कोविड के समय अगर राशन की जरूरत है तो कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, जरूरतमंद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता रहा। क्या कभी आपने कोई शिकायत सुनी है? आपने कभी सुना है कि हमारे गांव में वो मुसलमान भाई है
इसलिए उसको मिलता नहीं है, कभी सुना है? भाइयों बहनों, भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए। ये घर बिना भेदभाव हर धर्म के लोगों को मिले हैं। क्या किसी गांव में ने कोई शिकायत सुनी है कि भाई धर्म के आधार पर मुझे मकान नहीं मिला, ऐसा सुना है क्या? यहां भाजपा सरकार है कि नहीं है? दिल्ली में भाजपा सरकार है कि नहीं है? कोई भेदभाव की खबर सुनी है क्या? भाजपा सरकार ने 11 करोड़ घरों तक पीने का पानी का कनेक्शन पहुंचाया है, कोई जातिवाद नहीं होने दिया, कोई धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होने दिया, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र है। हर धर्म हर समाज को ये लाभ समान रूप से मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर सबको समान रूप से मिलता है तो आपकी कोई शिकायत होती है क्या? लेकिन अगर कांग्रेस आती है तो ये सारी सुविधाएं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों को नहीं मिलती। कांग्रेस की चले तो गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ भी धर्म के आधार पर देती, क्योंकि कांग्रेस तो डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मोदी कहता है देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के गरीबों का है, इस देश के पिछड़ों का है, इस देश के आदिवासियों का है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं कर रही है जो देश को भी कमजोर करेगी और आपके परिवार को भी कमजोर करोगी। आपने सुना होगा इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है, मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है, वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भी ये भाषा अच्छी नहीं है, ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या? मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं,
ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए, तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। आजकल इस शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे, और आपकी अलमारी में क्या पड़ा है, किसी माता बहन ने कुछ बचत अनाज के डिब्बे में अगर दबा करके रखी है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। लॉकर में क्या पड़ा है, जो स्त्री धन बहुत पवित्र होता है, कोई उसको हाथ नहीं लगाता है, कोई उसको छूता नहीं है। मंगलसूत्र हो, छोटा मोटा चांदी, सोना चांदी का गहना हो, इसे पवित्र माना जाता है। कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में बता रही है। और मैंने तो पहले दिन कहा था कि इनका मैनिफेस्टो पूरी तरह मुस्लिम लीग की सोच का ही प्रतिबिंब है। और साथियों, ये एक्सरे करके आपको लूटने की योजना बना रहे हैं, क्या आप उनको आपकी संपत्ति छीनने का अधिकार देंगे क्या, इनको चुनाव में जीतने देंगे क्या? इतना ही नहीं, ये इससे भी संतुष्ट नहीं है, वो जीते जीतो छोड़िए, ये स्वर्ग का स्वर्गवास के बाद भी, मृत्यु के बाद भी आपकी जो बची हुई संपत्ति है, जो स्वाभाविक रूप से आपके बेटे बेटी को मिलनी चाहिए, वो भी आप नहीं दे पाओगे। आपने कितनी ही मेहनत करके बच्चों के लिए इकट्ठा किया होगा, कांग्रेस वाले कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो भी डुब्बे में से गुल कर दिया जाए, ऑफिशियली कहते हैं। आपकी कमाई का आधे से ज्यादा कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो ये सरकार छीन लेंगी, और इसलिए कांग्रेस आप पर इनहेरिटेंस टैक्स, आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े जो तथ्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं, वो देश की आंखें खोलने वाले हैं। जरा ध्यान से सुना जाए, आप भी ध्यान से सुनिए और मेरे देश के दिग्गज पत्रकार भी जरा सुन ले, मीडिया वाले भी सुन ले, और उनकी जो इकोसिस्टम है ना, जो हर दिन मोदी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है, वो भी जरा सुन ले कान खोल करके।
देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिलकत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था, तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की चार चार पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। और इसलिए ही तो देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। साथियों, आपके और कांग्रेस के, आपके साथ खिलवाड़ करने के उनके जो इरादे हैं, कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों के बीच आपके हकों की रक्षा के लिए ये मोदी दीवार बन के खड़ा है। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इसमें आपकी भी बड़ी भूमिका है। मुरैना से संगठन में मेरे साथ जिन्होंने वर्षों तक काम किया, जब मैं संगठन महासचिव हुआ करता था तब हमारे शिव मंगल जी यहां महासचिव हुआ करते थे, ऐसे मुरैना जैसे मुरैना से हमारे शिव मंगल सिंह जी तोमर, भिंड से हमारी बहन संध्या राय और ग्वालियर से हमारे साथी भरत सिंह कुशवाहा जी 7 मई को
इनको जितनी ज्यादा संख्या में वोट मिलेंगे मोदी उतना ही मजबूत होगा। आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा। कमल पर आप बटन दबाएंगे आपका वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और इसलिए मोदी आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। मोदी आपसे कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने के लिए आया।